नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी वक्त आ गया है और ऐसे में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी सौगात आज जनता को खुद पीएम मोदी देने वाले हैं। जी हाँ, जिसको लेकर सपा और बीजेपी के बीच अब टकरार भी देखने को मिली है। ये टकरार है कार्यक्रम को लेकर कि ये जो योजना थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, इसको सपा लेकर आई है। इसका उद्घाटन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब अखिलेश ने इस पर राजनीति भी शुरू कर दी है, जहां एक पोस्टर जारी किया गया है जो कि 2016 का है, दिसंबर 2016 का बताया जा रहा है, जब सपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, ऐसा अखिलेश की तरफ से कहा गया। उसके बाद आज एक और ट्वीट अखिलेश को सामने आया, जिसमें ये बात कही गई कि लखनऊ से फीता आया है और दिल्ली से कैची पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 1:30 बजे आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को देंगे। इतना ही नहीं, 2 लाख लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये छोटा सा एक्सप्रेसवे नहीं बना है, ये कई जिलों को जोड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी आसानी रहेगी। आपको बता दें कि इसको जोड़ने के लिए और साथ ही लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए 8 पेट्रोल पंप बनाए हैं, 4 सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं, पुलिस बूथ की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कुछ अप्रिय घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो वहां पे पुलिस मौजूद रहे। और साथ ही ये सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी, 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसमें आज वायुसेना के जवान अपना कर्तव्य करते हुए नजर आएंगे। कई लड़ाकू विमान दिखाई देंगे इस एयर स्ट्रिप पे, जो कि अपना कर्तव्य करेंगे। कई लोग मौजूद रहेंगे, खुद इस दृश्य को साक्षात रूप में देखेंगे, वहां मौजूद होके जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं, साथ ही सपा पर भी निशाना साधेंगे। ये तो लाजमी है, क्योंकि सपा ने राजनीति शुरू कर दी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेके। ये पहली बार नहीं है जो सपा ने कहा हो कि हम किसी योजना को लेकर आए और उसके ऊपर अपना नाम बीजेपी ने लगाया। इस तरह की बयानबाजी पहले भी हो चुकी है और अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। अब बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो 1:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। एक्सप्रेसवे पर जगुआर सुखोई मिराज का जलवा देखने को मिलेगा। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना है, जिससे जिस दूरी है वो 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, तय की जा सकेगी। साथ ही एक्सप्रेसवे पर पुलिस चौकियों के पास ही हेलीपैड बनेगा। उद्घाटन समारोह में वायुसेना का 45 मिनट का एयर शो होगा। सबका समय निर्धारित है कि किस समय कौन सा लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखाएगा। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप स्थापित किए गए हैं, 4 स्थानों पर सीएनजी स्टेशन भी लगाए गए हैं, ताकि जो यात्री होंगे, जो उस रूट पे चलने वाले लोग होंगे, उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े और सुगमता से सीएनजी और पेट्रोल मौजूद रहे। साथ ही अगर बात करें वृक्षारोपण की, तो एक पंक्ति में 4.50 लाख वृक्षारोपण किया गया है, ताकि जब इस एक्सप्रेसवे से जो गाड़ियां गुजरेंगी, तो उनसे जो निकलने वाला धुआं होगा, उससे वातावरण दूषित ना हो। वृक्षारोपण बहुत जरूरी था, जिसका ध्यान रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 4.50 लाख पेड़ लगाए गए हैं, ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी, 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो सिर्फ ये एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सौगात है, जो कि 22,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी सौगात दे रहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। वहीं एक चीज और सामने आई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा हमलावर नजर आई। सपा ने पहले तो पोस्टर जारी किया, फिर तंज कसा, और उसके बाद एक तस्वीर निकल के और सामने आई, जिसमें कुछ सपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के उद्घाटन से पहले ही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से फीता लगाकर काटते हुए नजर आए हैं कुछ सपा कार्यकर्ता। तो सपा लगातार हमलावर है और बीजेपी पर तंज भी कसती हुई नजर आ रही है। और जब राजनीति चल रही है और 2022 का विधानसभा चुनाव है, जो कि काफी अहम है सपा और बीजेपी दोनों के लिए, क्योंकि अपने अपने स्तर पर तो सभी पार्टियां चुनाव में जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, जनता के जो काम है, जनता के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसको दर्शा भी रही है। जहां सपा बता रही है कि हमने अपने कार्यकाल में इतना काम किया था, ये जनता के लिए विकास कार्य किए थे, और बीजेपी की कमियां गिनाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी भी हर एक संबोधन में
विपक्ष के जो घोटाले हैं, जो कारनामे हैं, उनके बारे में बात करती नजर आती है। साथ ही 4.5 साल के जो भी विकास कार्य किए हैं वो बताते हुए नजर आते हैं। उसके लिए चाहे योगी हो या फिर जो है केंद्र के मंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जब खुद भी उत्तर प्रदेश आते हैं तो सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो वही राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम होता है वो लगातार चलता रहता है। जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको सुनने का दौर भी होता है, सम्मेलन किए जाते हैं, और जब ये सब होने लगे तो समझ जाइए कि अब चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है। और इसी बीच आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया जा रहा है ये काफी बड़ा और अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जब योजना का उद्घाटन होगा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, तो इससे काफी सुविधा मिलेगी आमजन को, क्योंकि कई रास्ते इसमें कई जिलों के रास्ते जो है जुड़ेंगे, कई जिलों को जोड़ते हुए ये एक्सप्रेसवे जा रहा है, और जो ग्रामीण है उनको भी इससे काफी लाभ होगा, वो सुगमता से किसी भी जिले में अपनी फसल को पहुंचा सकेंगे, साथ ही जो तकलीफों का सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। जो मार्ग है वो छोटा हो गया, क्योंकि शहरों के बीच से जो होते हुए पहले मार्ग निकलते थे उसमें ट्रैफिक की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये एक्सप्रेसवे है जो कि शहर के बाहर से जाएगा, जो हर सीमा को छूता हुआ जाएगा, और इससे कम ट्रैफिक रहेगा। दूसरी चीज, बड़ी चीज ये है कि ये 6 लेन का बना हुआ है, जिसको और बढ़ाया जा सकता है, 8 लेन तक किया जा सकता है, जिससे कोई ट्रैफिक की दिक्कत भी नहीं होगी, लोग आराम से पहुंच सकेंगे। और उसके बाद जो बाकी इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में भी, उसको देखते हुए भी ये काफी अहम और खास माना जा रहा है। और अब राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि जब ये इतनी बड़ी जो योजना सामने आई थी जिससे जनता को काफी फायदा होगा, तो इसमें अब क्रेडिट लेने की बात सामने आ रही है कि आखिर इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। जहां बीजेपी अपना नाम लगा रही है कि हमने इसमें पूरा किया है, हमने इस योजना को लेकर आए हैं, जनता को हमारी योजना के तहत सुविधा मिलेगी, तो वहीं सपा कह रही है कि इस योजना की जो शुरुआत थी, जो विचार था, वो हमारा था, हमने इसका जो पोस्टर था वो पहले ही जारी कर दिया था। तो अब यहाँ पे चर्चा का विषय ये है कि आखिर इसका श्रेय किसको जाना चाहिए, सपा को या बीजेपी को, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने स्तर से जो जनता है उसके विकास के बारे में सोचा, उसका समय बचे और विकास हो, तो दोनों ने ही अपने स्तर पे सोचा। अब जो इस योजना को लाने वाला है या जो इसको पूरा करने वाला है, आखिर किसको इसका श्रेय मिलने चाहिए, इस चीज को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया है। ये विवाद उत्पन्न इसलिए भी हुआ है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां जनता का जो ध्यान है अपनी तरफ केंद्रित करना चाहती है, और अब इसी चीज को देखते हुए दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जहां 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने वाले थे और इस योजना की सौगात जनता को देने वाले थे, एक्सप्रेसवे की जो बड़ी सौगात है जनता को देते, लेकिन उससे पहले ही कुछ सपा कार्यकर्ता उद्घाटन करते हुए नजर आ गए, क्योंकि उनका मानना है कि ये योजना सपा सरकार द्वारा लाई गई है। आपको बता दें कि ये जो योजना है जो सपा कह रही है कि उनके कार्यकाल में लाई गई है, वो 22 दिसंबर 2016 का पोस्टर बताया जा रहा है, जो आप अपनी तस्वीर पे इस वक्त देख रहे हैं, तो 2016 22 दिसंबर का बताया जा रहा है, जबकि 11 मार्च 2017 को योगी सरकार आ गई, यानी कुछ ही समय बाद आ गई। तो सिर्फ विचार सपा का था, लेकिन उसको पूरा करने का जिम्मा भाजपा सरकार ने उठाया, लेकिन अभी भी श्रेय की बात जाती है, क्योंकि विचार जिसका हो तो उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, अगर उसने सोचा ही ना होता तो ये पूरा कैसे होता। तो इन सब चीजों को लेके लगातार विवाद बना हुआ है, राजनीति गर्मा रही है, दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, तो वहीं दोनों के इस मानसिकता के ऊपर उठ के देखना चाहिए कि जनता का विकास सर्वोपरि है, क्योंकि कोई भी लेकर आया हो इस योजना को, लेकिन इससे भला होगा जनता का ही। तो चर्चा का विषय तो ये भी है कि आखिर किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें से एक है राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी और दूसरे हमारे साथ सपा से जुड़ेंगे अभिषेक यादव जी। तो दोनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पे। तो सबसे पहले मैं सपा के पास जाना चाहूंगी कि आखिर ये विवाद ही क्यों उत्पन्न हुआ कि हम इस योजना को लाए थे और बीजेपी इस पे अपनी मोहर लगा रही है। मैम देखिए, अखिलेश जी ने हमेशा विश्वास किया है उत्तर प्रदेश का विकास हो, प्रदेश खुशहाली की तरफ जाए, और अखिलेश जी हर भाषण में अपने कहते रहे हैं
जी उत्तर प्रदेश का अगर विकास होगा और उत्तर प्रदेश अगर विकास की ओर अग्रसर होगा तो हमेशा उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका को किसी ने बनाया है तो वहां की सड़कों ने बनाया है, जी अगर सड़कें बनेंगी तो वहां की भूमि और में को रफ्तार मिलेगी, बिल्कुल और जो एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर आगरा तक बनाया है और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अखिलेश यादव जी की देन है, जी इसका लैंड समाजवादी सरकार में अकॉर्ड हो गई थी। और बाबा केवल एक्सप्रेस वे नहीं, जी तमाम समाजवादी पार्टी की योजनाएं हैं जिनका फीता काटने का केवल काम कर रहे हैं, इनके पास कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका अभिषेक जी, उद्घाटन कर जिस रहे हैं। तरह से जो ये पोस्टर अखिलेश जी ने सामने लेकर आया है, वो बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 2016 का है, और वहीं मार्च 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई, तो सिर्फ योजना को सोचना ही नहीं उसका काम हो जाता है, उसमें सारा जो पैसा था उसको शुरुआत कराना, काम कराना, तो जो प्रोसेस था पूरा वो बीजेपी ने करा है, तो फिर इसका क्रेडिट सपा को कैसे मिल सकता है? पूरा टेंडर हो गया था, केंद्र जी सरकार की तरफ से अलॉय नहीं इशू हो पाया था, विधानसभा के सामने इसका शिलान्यास हो गया था जी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका केवल इसको दूसरी कंपनी को दे करके अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को टेंडर दिया और जी इसकी सुविधाएं कम कर दी, इसकी सर्विस लेन कम कर दिया, सर्विस लेन कहीं पे नहीं है, लाइट की जो व्यवस्था है वो भी कम कर दी है। और एक बार आप अगर लखनऊ से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे जो समाजवादी सरकार में बना और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है जी उस एक्सप्रेसवे पर आप चल लेंगे तो खुद ही आपको एहसास हो जाएगा कि अखिलेश जी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे में कितना अंतर है। जी दिलीप यशवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी सपा द्वारा कहा गया है कि शिलान्यास कर दिया गया था और उसको मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन पूरा जो काम पूरा किया गया है वो बीजेपी द्वारा किया गया है, आपको क्या लगता है श्रेय किसको जाना चाहिए? तो काम सपा ने किया था और ना काम भाजपा कर रही है, ये जी काम सरकार का है, सरकार कर रही है, जनता के लिए कर रही है और जनता के पैसे से कर रही है। जी इसका क्रेडिट तो वास्तव में किसी सरकार को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी फंड से लगा करके इसका निर्माण करा रही थी, चाहे सपा करा रही थी या भाजपा करा रही है, क्या पार्टी फंड से ये पैसा लग रहा है? नहीं, ये पैसा जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के टैक्स का पैसा जनता की सुविधाओं हेतु ही खर्चा होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। वो तो सरकार दिलीप की जी, कुर्सी में आगरा चाहे एक्सप्रेस समाजवादी वे का पार्टी का जो मुखिया बैठा जी हो जो आगरा एक्सप्रेस वे का श्रेय जाता है, तो वो सपा को क्यों जाता है, और इस एक्सप्रेस वे का जो श्रेय जाएगा वो फिर भाजपा को क्यों जाएगा? नहीं जाना चाहिए, नहीं, ये राजनीतिक प्रोपोगंडा है, ये जी राजनीतिक प्रोपोगंडा है, ये क्यों सपा को जाना चाहिए? सपा ने अपने पैसे से बनवाया था वो एक्सप्रेस वे, सपा ने वो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था जी क्योंकि सपा उस समय सरकार में थी। तो बिल्कुल जो सरकार की कुर्सी पे जो भी राजनीतिक पार्टी बैठी होगी, जनता के हित के लिए जो जरूरी होगा वो करना उसका संवैधानिक धर्म है, बिल्कुल वो संवैधानिक धर्म निभा रही है अपना। वो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी ने सोचा था और भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ा दिया, ये तो और सराहना की बात है। अगर मैं इनके प्रवक्ता की बात को मान लूं कि ये योजना समाजवादी पार्टी ने शुरू करी थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे बढ़ा के कंप्लीट कर दिया, तो साहब ये तो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो पुरानी पार्टियां प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, नई पार्टी आकर के उन प्रोजेक्ट को बंद कर देती है, जनता के टैक्सेस का नुकसान कर देती है, वो प्रोजेक्ट वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। आप भी इल्जाम लगाते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दिया। तो अगर समाजवादी की सरकार में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में उसको कंप्लीट कर दिया, तो ये तो एक स्वस्थ राजनीति है, अच्छी बात है। और मेरी अगर मैं अगर जनता के हित की बात करूं, जनता की तरफ से बात करूं, तो इसका श्रेय किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता है। आपको जनता ने इसलिए चुन के गद्दी पे बैठाला था कि जनता को सुविधा देने के लिए जो अच्छा हो वो आप करिए, वो आप जब पावर में थे तो आपने किया। अगर समाजवादी पार्टी बिना सत्ता में रहे इस एक्सप्रेस वे को बनवा लेती तो मैं मान जाता, ये समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट है या ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है, जी ये अभिषेक सरकार जी, का आप प्रोजेक्ट क्या है। कहेंगे इस पे? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जो योजना लाई जा रही थी उसको पूरा किया गया है, उसको अंतिम रूप दिया गया, ना कि उसे बीच में खत्म किया गया। क्योंकि नाराज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है कि जनता हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर नहीं उनको वोट देगी, अब उनको विकास के मुद्दे पर आना पड़ेगा और
अखिलेश जी ने जो नारा दिया था काम बोलता है, वो नारा आज सत्य हो गया है। उनका काम बोलता जो नारा था वो सत्य हो गया है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री दिल्ली से आकर सुल्तानपुर में उद्घाटन कर रहे हैं। और जो इन्होंने एक्सप्रेसवे दिया है जी, आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और बहुत तिलमिलाए हुए हैं इस समय। अब लैपटॉप का डाटा इकट्ठा करा जा रहा है, लैपटॉप बांटने का काम करने की सोच रहे हैं ये लोग। जो भारतीय जनता पार्टी ने की जो अब सोच हो गई है वो भी अब विकास की ओर अग्रसर हो गई है, और जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के पर लड़ाने का काम करते थे, अब जनता उनको उस नाम पर वोट नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं। और रही बात श्रेय लेने की बात, तो श्रेय लेने में सबसे आगे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इस तरह क्या नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन बनाई थी, लेकिन तमाम पूरे प्रदेश में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है। इस तरह तो श्रेय भारत देश के वैज्ञानिकों को देना चाहिए कि उन्होंने जी, लेकिन इतने ये तो कम समय में होता आया है, जब चुनाव होते हैं तो कोई भी सरकार हो वो शिलान्यास लोकार्पण का काम शुरू करती ही है, सम्मेलनों का दौर चलता ही है, तो फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जब आपकी सरकार जा रही थी तो क्या आपकी सरकार ने शिलान्यास समाजवादी सरकार का कोई भी काम शिलान्यास चुनाव के मुद्दे को देखते हुए नहीं किया गया था? अखिलेश जी ने जितनी भी योजनाएं दिया था, अखिलेश जी ने जितनी सरकार जा रही थी 2016 दिसंबर में, आपने भी उसी वक्त किया था, तो ये तो चलता ही रहता है। और इस टाइम उद्घाटन हो रहा है क्योंकि एक बार फिर चुनाव है, समय नहीं मिल पाया। ये एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने उनको अपने चहेते ठेकेदारों को एडजस्ट करना था, उनको माल कमवाना था, उनको पैसा कमवाना था, इसलिए एक्सप्रेसवे को बढ़ाया गया। आप बता दीजिए 100 नंबर को 112 कर दिया, एक बताइए एक इनोवा गाड़ी बढ़ाई हो तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, एक इनोवा गाड़ी अगर कहीं बढ़ाई हो तो बता दीजिए हमको। केवल इसमें अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कराना था, उनको माल कमवाना था, इसीलिए जो पुराना एलॉय इशू होना था उसको कैंसिल करा गया और नया एलॉय इशू किया गया, और झूठा दिखाया, प्रचार दिखाया कि हम कम पैसे में समाजवादी सरकार से बना रहे हैं, जबकि उन्होंने उस एक्सप्रेसवे की सुविधाओं को कम कर दिया, ना उस एक्सप्रेसवे में कहीं पे सर्विस रोड है। चलिए, श्रेय लेने का विवाद तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। जब सरकारें बदलने वाली होती है तो शिलान्यास और लोकार्पण किया जाता है, और जब सरकार बदल जाती है तो फिर अगली सरकार आके अगर उस काम को पूरा करती है तो इस तरह का इल्जाम तो लगाया ही जाता है। फिलहाल दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी और सपा से अभिषेक यादव जी जुड़े थे, तो दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। तो ये बात साफ है कि श्रेय की लड़ाई तो होती ही रहेगी, लेकिन विकास के मुद्दों पे काम करना चाहिए। सरकार किसी भी हो, विकास के मुद्दों पे काम करना चाहिए। अगर कोई अच्छी योजना है तो वो जनता के पक्ष के लिए, जनता के हित के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि श्रेय की लड़ाई लड़नी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।